हरियाणा से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर आईटी ने छापेमारी की है। चंडीगढ़ सोनीपत से लेकर गुरुग्राम के ठिकानों पर यह छापा मारा है। चंडीगढ़ में 202 नंबर एमएलए फ्लैट पर इनकम टैक्स की रेड, गुरुग्राम के जो घर है ऑफिस है वहां पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची। स्मालखा और चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर कांग्रेस विधायक के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। छोकर पर टैक्स चोरी का आरोप है, जिसके चलते इनकम टैक्स की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी। विधायक के घर, दफ्तर और पेट्रोल पंप पर छापा मारा। आपको बड़ी खबर हरियाणा से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। चंडीगढ़ सोनीपत से लेकर गुरुग्राम के कई अहम ठिकानों पर ये छापेमारी की गई। इस खबर पर और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी अंकित दुदानी, जुड़े हैं फोनलाइन से। अंकित, कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के खिलाफ आईटी ने रेड की है, क्या जानकारी मिल पाई है? आईटी ने रेड की है धर्म सिंह छोकर के जो ऑफिस है उनके ऊपर, और अभी धर्म सिंह छोकर को भी पंचकुला में जो आईटी का ऑफिस है वहाँ बैठा रखा है और वहाँ उनसे पूछताछ हो रही है। पंचकुला जो चंडीगढ़ में उनका फ्लैट है 202 नंबर, वहाँ भी पुलिस मौजूद है, आईटी के 6 अधिकारी मौजूद है और वहाँ भी पूरी वो हो रही है, पूछताछ हो रही है फ्लैट में, और गाँव में जो गुरुग्राम के अंदर है वहाँ भी चल रही है और समालखा में भी, सभी जगह वो रेड चल रही है। और अभी खुद धर्म सिंह छोकर पहले विधानसभा में मौजूद थे, विधानसभा से सीधे पंचकुला वो गए हैं और पंचकुला जो इनकम टैक्स ऑफिस है वहाँ उनसे पूछताछ हो रही है। जी, लेकिन क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से कि कुछ अहम जानकारी आईटी की टीम को हाथ लगी हो, कोई दस्तावेज? कुछ ना कुछ जरूर अहम दस्तावेज इनके हाथ लगे हैं, जब भी वो आए हैं रेड करने के लिए और सभी जो ठिकाने हैं उनके ऊपर एक साथ रेड की है। और ये रेड अभी से शुरू नहीं, सुबह से लगभग 6 बजे से ये रेड चल रही है और अब क्या निकल करके आता है वो तो जब रेड खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। धर्म सिंह छोकर जैसे ही विधानसभा से निकले तो तुरंत अपनी गाड़ी से और सीधे पंचकुला गए और वहाँ अब आईटी दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही है। जी, शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो कांग्रेस विधायक हैं धर्म सिंह छोकर, जिनके घर आईटी ने दबिश दी। चंडीगढ़ सोनीपत गुरुग्राम के जो ठिकाने हैं वहां पर आईटी की टीम पहुंची और चंडीगढ़ में 202 नंबर जो एमएलए फ्लैट है उनका वहां पर इनकम टैक्स की रेड हुई। वहां पर अभी भी टीम मौजूद है, पंचकुला आईटी का जो दफ्तर है वहां पर खुद धर्म सिंह छोकर मौजूद है, उनसे पूछताछ हो रही है। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा भी जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट के साथ। धर्मवीर, गुरुग्राम में भी छापेमारी हुई है आईटी की कांग्रेस विधायक के खिलाफ, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए धर्म सिंह छोकर जो है गुरुग्राम में डीएलएफ फेस 1 में उनका निवास स्थान है और यहाँ पर भी सुबह 6 बजे से ही जो लगातार जो है इनकम टैक्स विभाग के रेट जो जारी है और यहाँ जो कई अधिकारी जो सुबह 6 बजे पहुंचे थे वो अभी तक घर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं आए हैं और काफी सारी जो चीजें हैं घर के किसी भी परिवार के सदस्य को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सभी लोग जो घर के यहाँ पर मौजूद थे वो घर के अंदर ही मौजूद है और लगातार जो रेड है वो जारी है। साथ साथ जो उनके जितने भी कंप्यूटर कहें या लैपटॉप कहें उनको जो है अपने कब्जे में लिया है आईटी विभाग ने, उसके साथ साथ जो उनकी जो जांच है वो जारी है। साथ ही को जो परिवार के लोग हैं उनसे भी अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश जो है वो इनकम टैक्स विभाग कर रहा है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या कुछ मिला है क्या कुछ नहीं। जैसे रेट खत्म होगी तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा क्या कुछ इनकम टैक्स विभाग को इस रेट में हासिल हुआ है। धन्यवाद धर्मवीर जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में भी उनके फ्लैट पर दबिश दी है आईटी की टीम, वहां पर मौजूद है, जो लोग घर में थे वो घर के अंदर हैं और कुछ लैपटॉप फोन भी जब्त किए हैं, पूछताछ फिलहाल चल रही है। और चंडीगढ़ में भी लगातार आईटी की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, पंचकुला में आईटी दफ्तर में खुद कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर मौजूद है, वहां उनसे आईटी की एक टीम पूछताछ कर रही है।